कितने दिन चलेगा? ये रंगिया बहुत खींचा दिया घंटा तो हो गया वाला एक घंटा तो हो गया हमारा जन्म पसंद देश पाते
বিশেষ প্রস্তুত হয়েছি নীতি থেকে রাউন্ড রাধাকান্ডের দল এই রাধাকান্ডে প্রচুর জলা শিক্ষা স্নান করেন যখন আমরা যখন গুরুবার নিয়ে রান্না করতে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় আসতাম গুরুদেব একবার বলবেন রাধাকুণ্ড সম্বন্ধে রাধাকুণ্ডে চারদিকে চারটি ঝুলা আছে রাধা পূরব দিশাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হ্যায় ইন্দ্র পশ্চিম সাইডকে অধি দেবতা হ্যায় বরুণ উত্তর দিশাকে অধি দেবতা হ্যায় দেবতাওকে ফাইন্যান্স মিনিস্টার কুবের দক্ষিণ দিশাকে অধি দেবতা কোন হ্যায় আমার মহাজন একে মহারাজ ইন্দ্র ऐसे राधा कुंड में चार सब समय सरणी पर्व वर्तमान है सरणी वर्तमान है एक संगे सरणी फूल सरणी फल विद्यमान एक संगे सरणी पत्र सब समय है कलरव बच्चे एक के हसी किसी को ठंडा চারদিকে हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हम जिस स्थान पर उपस्थित हुए ये गोबाला श्री राधा कुंड का तट है। गोबाला कौन है? गोबाला इसलिए ये अभिन्न राधा कुंड है। शास्त्र में बताया कुंडे महिमा जानो राधा महिमा, यस्य राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियं तथा सर्व गोपी का सहिता विष्णु अत्यंत बलवला। जिस प्रकार श्री राधा जी श्री कृष्ण के प्रिय हैं, उसी प्रकार वह राधा कुंड भी श्री कृष्ण का उद्भवी प्रिय है। हम श्री ब्रह्म मधुर गौड़िया सारस्वत धारा में हमारे ईश्वर श्री कृष्ण नहीं, हम गौड़िया वैष्णव, हमारे ईश्वर श्री राधा जी हैं, हमारे ईश्वर श्री राधा जी हैं। जबकि वे राधा जी के गुण ऐसे कि जिन गुणों से आकर्षित होकर स्वयं श्री कृष्ण विभावित हो जाते हैं। हम लोग महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा हरे क्या सर्वचेत हरा कृष्णस्य चित्तं हरे निस्तो वेदग्नि निस्कार राधा हरम। जो अपने गुणों से अपने रूप से श्री कृष्ण के चित्त को भी हरण कर ले वह राधा। कर्षटी स्वलवण्य मुरली कलन सुने श्री राधा मोहन गुणानु कृतम कृष्ण। श्री कृष्ण अपनी बंसी से राधा जी को आकर्षण कर ले, परंतु राधा जी के गुण जैसे उनके गुण ऐसे जो श्री कृष्ण के चित्त को भी हरण कर ले। इसने बताया गंधो मादुत माधव, अपने गंध से ही अपनी सुगंध से माधव को भी श्री कृष्ण को भी वो पराजित करते मोहित करते। श्री रूप को स्वामी पार श्री राधा जी की गुणावलियों को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चार सौभाग्य रेखा गया गंध मादुत माधव संगीत परस्पर कृपया रंग मात गर्भ पंडिता विनीत करुणा पूर्णा विदग्ध प्रतांगिका लज्जाशील सुमर्यादया धैर्य कबीर शालिनी सुविनाश महामहा परमकर्ष कर्षणी गोकुल प्रेम वसति जगत श्रेणी जगत रसा गुरु अर्पिता गुरु स्नेहा सखी प्रणति वर्ष कृष्ण प्रियावली मुद्या संतर आश्रय केशव। जो श्री कृष्ण है केशव वे भी श्री राधा जी के अधीन हो जाए, राधा जी के अधीन हो जाए। अभी हम मान से श्री जयदेव गोस्वामी जी के स्थान से आ रहे हैं, वहां पर क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वर बल खंडन मम शिव से मंडन देवी पाल पल्लव उठा हे राधे अपने चरण कमलों को मेरे मस्तक पर ढाल रहा। श्री कृष्ण का जो प्रणय है उसका जन्म कहां से होता है? श्री कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में कहते हैं का अर्थ श्री कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में कहते हैं का कृष्ण से प्रणय जनेऊ श्रीमती राधा का एक का हस्य प्रेस का अनुपम गुना राधा का एक नाच। श्री कृष्ण का प्रणय का जो उद्गम स्थान है वो कौन है? वो थे राधा का हस्य प्रेस का अनुपम गुना राधा का एक नाच। वो थे राधा जी के अतिरिक्त और कोई नहीं, एक मात्र की सारी लीलाओं का जो सार है जो केंद्र है वह राधा जी है। समस्त लीलाओं का सार जो केंद्र बिंदु है वे राधा जी हैं। और समस्त लीला समस्त लीलाओं से सर्वश्रेष्ठ जिस लीला को स्वयं श्री कृष्ण स्मरण करके भाव विभोर हो जाए ये लीला मात्र है। कौन सी? वो थे रास लीला, सर्वोत्तम लीला वे रास लीला जिसमें श्री कृष्ण भी राधा जी के अधीन होकर ही सभी कार्य करें। यदि श्री राधा जी के रास छोड़कर चले जाए तो रास भंग हो जाए।
सौ करोड़ गोपियों के मध्य से राधा जी यदि राज जोड़कर चले जाए तो वो राज भंग हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का नाम है राजेश्वर और राधा जी का नाम है राजेश्वरी। यदि राजेश्वरी राज को ना रहे तो फिर श्री कृष्ण का राज भी भंग हो जाए। इसलिए उनका जो नाम राजेश्वर वो राधा जी के कारण ही है। उस राज लीला की विशेषता ये है जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ये बात कह रहे हैं, समस्त गोपियों ने कुछ स्वर से एक बात कही। मिलन में भी जहाँ पर श्री राधा जी का उत्कृष्ट है श्री राम जी का, और विरह में भी राधा जी का उत्कृष्ट है। मिलन में कैसे होते, समस्त गोपियों को छोड़कर एकमात्र राधा जी को ही अपने साथ लेकर गए। समस्त गोपियों को छोड़कर राधा जी को अपने साथ लेकर गए, परंतु विरह में भी राधा जी का वहां पर प्राधान्य देखा जाता है समस्त गोपियों से। वो कैसे, जब जब समस्त गोपियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण कर रही है, कोई पैतृक और लीला कर रही है, कोई गोवर्धन धाम लीला कर रही है, कोई अन्य की लीलाओं का अनुकरण कर रही है, उस समय श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो थे केश प्रसाद वक्रा काम प्रथम श्रृंगार मठ में श्री कृष्ण राधा जी के केशों को संवार रहे हैं, सेवा कुंड में राधा जी के चरणों को पकड़ रहे हैं, राधा जी की सेवा कर रहे हैं। देखने में लग रहा है श्री कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं, परंतु राधा जी की उन सेवाओं को ग्रहण करके श्री कृष्ण के ही हाथ को वर्धित कर रहे हैं, उनके आगे को वर्धित कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण राधा जी के अधीन होकर विराजमान, जहाँ पर ये लीला का अनुकरण वहाँ पर श्रृंगार मठ की लीला हो, साथ ही साथ श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं साथ ही मेरे तनात्मनम वरिष्ठम सर्व योषितम हित गोपी कामान असो भजते क्रिया सत्वगतम वनम देशम धृत केशम आभूपित ना पारे हम चलितुम नाय माम यत्र से मना एवं उत्तम प्रियम ना स्कंद उराय सहति तथा संतर्धय कृष्ण सवधु अनुपत। जहाँ पर श्री राधा जी कह रही है हे नाथ अब मैं चल नहीं पाऊंगी, हे प्रियतम अब मैं चल नहीं पाऊंगी, तो अपने कलेजा पे बैठाओ क्या। जैसे श्री कृष्ण झुके उसी समय अंतर ध्यान हो गए, जब अंतर ध्यान हो गए उसी समय राधा जी वहां पर विलाप करने लगी, हे नाथ रमन प्रेक्षा क्वासी क्वासी वहां मजा दासस के कृपण्य में सत्य दर्शन से लेनी, हे नाथ रमन प्रेक्षा आप कहां गए, आप कहां गए, दासस के कृपण्य में मैं आपकी दासी हूँ अपना दर्शन दीजिए। ये बात राधा जी बस विरह में कह सकती है, मिलन में कभी नहीं कह सकती मैं आपकी दासी हूँ। मिलन में तो हेतु और हेतु यूं मान उच्चते, कभी कारण से कभी बिना कारण से अपने मान को प्रदर्शित करें, लेकिन जब विरह की स्थिति आ जाए उस विरह की स्थिति में वह अपने को दासी मानकर श्री कविराज गोस्वामी चेतन चेतन को वर्णन कर रहे हैं, मैं आपकी दासी हूँ अपने दर्शन प्रदान कीजिए, दर्शन प्रदान कीजिए। उसी समय समस्त गोपियों जो वहां पर उपस्थित हुई राधा जी को मिला करके देखा, एक स्वर से कहा सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं अंते राधा को यूनम भगवान महादेवेश्वरा जन्म विहार गोपीनाम हेतु यह मनोग्रह यह मनोग्रह वितो अंते राधा को यूनम भगवान महादेवेश्वरा। इनका नाम राधा इसलिए है क्योंकि इन्होंने समस्त गोपियों से श्रेष्ठ श्री कृष्ण की आराधना की, बोलते नहीं ये कारण ही इनका नाम राधा इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण ने जिन गोपियों की सबसे अधिक आराधना की है इसलिए इनका नाम राधा। वृंदावन के रस रसन तो ये कहते हैं कृष्ण की वेणु माधुरी बड़ी प्रसिद्ध है, जिस वेणु माधुरी को लेकर सवन शर्म पाठ सुरेश शत्रुपण परमेश्वर को रहा ब्रह्मा शिव अपने वाद्यों को लाकर वहां पर बजाने लगते, लेकिन श्री कृष्ण के नृत्य कौशल को देखकर अपने वाद्यों को वहीं रख देते। वे श्री कृष्ण वे नृत्य कौशल को कहां से सीखते हैं, होते राधा कुंड पर। कैसे कसम बिंदे प्रिय सखी सपाद मोलो होता उसको कुंडन वंदन की मग होते नृत्य शिक्षक गुरु का, हे वृंदे कहां से आ रहे हो, होते सपाद मोलो हरि के पास से आ रहे हो, कहां पर है, होते राधा कुंड पर। क्या कर रहे हैं, होते नृत्य की शिक्षा कर रहे हैं। तो गुरु का कौन गुरु है, कौन कौन मूर्ति प्रति गुरु लगा, ये राधे आपकी जो छवि प्रत्येक वृक्ष में प्रत्येक
लताओं में पुष्पों में जो चिन्हित हो रही है उन्हीं चिन्हित उन वचनों को देखकर श्री कृष्ण उसे नित्य सेव रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण को ये संकोच नहीं होता कहने के लिए कि मेरी प्रेम गुरु कौन है। श्री कृष्ण भगवान को कृष्ण जगत गुरु श्री कृष्ण जगत के गुरु है, परंतु श्री कृष्ण अपने मुख से बात करते हैं राधा का प्रेम गुरु हम शिष्य सदा हमार नाना नित्य न जाए। राधा जी मेरी प्रेम की गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। ये प्रेम की पाठशाला में मैं स्वयं एक स्टूडेंट बन के एक विद्यार्थी बन के उनसे प्रेम की शिक्षा प्राप्त करता हूँ। क्या वो प्रेम है, कितना उज्ज्वल कितना शेष वो प्रेम है। उस प्रेम के आगे श्री कृष्ण भी हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुका कर रहे ना पारे हम निर्बल हे राधे मैं आपका प्रेम का पार नहीं पा सकता, आपका प्रेम का पार नहीं पा सकता, लेकिन मैं आपके प्रेम को चुकाना तो अवश्य चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ विषय जाते अमान होना अमा होते होते आश्रय लाए आश्रय जाते उपाय को मत उठाए यत्न स्वाधु नारी की कोई उपाय एक चिंतित रहे कृष्ण परम व्रत की यदि बड़े सदा लोग श्री कृष्ण के हृदय धक धक होता है। क्यों विषय जाते सुख हमारा मैं विषय जाते हूँ मैं सर्व भोगता हूँ, परंतु जब मैं देखता हूँ कोटि गुण आश्रय है जो आश्रय जाते जो सुख है जो राधा जी मेरे संग में रहकर जिस सुख का स्वादन करती हैं जिस प्रेम का स्वादन करती हैं वो मैं नहीं कर पाता। मेरे ही नाम का वो उच्चारण करते हैं और वो मेरे ही नाम में क्या सुख है वो मैं नहीं जानता। इसलिए आशा जाकर सुख उपाय करने पाए यत्र स्वादु नारी की कोई उपाय मैं उसे स्वागत करना चाहता हूँ लेकिन इस कृष्ण स्वरूप से नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या इच्छा करता हूँ मैं राधा जी का रूप और कान की धारण करके तब उस सुख को मैं स्वागत कर सकता हूँ। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं कोई ऐसे बस काले हो गए ना उसके पीछे कोई कारण है। श्री उज्ज्वल निर्मलि में भक्ति स्वामी सिंधु में श्री रूप स्वामी का वर्णन करते हैं प्रत्येक रस का एक वर्ण है दास के रस चित्त भरा सख्य रस लाल रंग का और वात्सल्य रस गहरा लाल और मधुर रस श्याम। कृष्ण उस अखिल प्रसामृत मूर्ति उस रस का आस्वादन करते हैं इसलिए वो श्याम बन रहे हैं। तो फिर श्री कृष्ण को राधा जी के कांति ही ले लेते हैं भाव लेने की क्या आवश्यकता है। कांति लेने से सब कुछ हो जाता है भाव लेने से सब कुछ हो जाता तो फिर वो तप्त कांचन वो कांति लेने की क्या आवश्यकता थी बोलते क्योंकि इसलिए वो जो महाभाव जो मदन के महाभाव है उसका वर्णन तप्त कांचन है इसलिए मात्र भाव से होगा नहीं वो कांति भी लेनी पड़ेगी। इसलिए राधा भाव भक्ति स्वरूपम नवमी कृष्ण स्वरूपम वे भाव और कांति दोनों लेकर ही वे श्री कृष्ण सचिनंदन गौर हरि हरि पर उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं जिस प्रेम को राधा जी आस्वादन करे जिस प्रेम को राधा जी आस्वादन करे। इसलिए राधा जी की महिमा परम पार उस राधा जी के नाम को श्री कृष्ण राधा कुंड पर खड़े होकर वे राधे राधे नाम उच्चारण करें और राधे राधे नाम उच्चारण करते श्याम वर्ण से गौर वर्ण के हो जाए और वसंत राज में तो इतस्ततः अनुस्मृत्या अनंत मान की मनसा कृतान कांत सकल की मंति कृतंत कुंते विशाल माधव। यदि राधा की राज छोड़कर चली जाए तो श्री कृष्ण जो माधव हैं उन राधा जी के विरह में विलाप करते हुए क्रंदन करते हुए राधे 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 बोलते बोलते श्याम मान से गौर वन के हो जाए। इसलिए ये कहाँ पर हुआ बोलते वृंदावन में वो वृंदावन धाम क्या है राधा जी बोलते अंदर मन मन मोर मन वृंदावन मोने मोने एक कोई नहीं अन्य का मन तो मन है लेकिन मेरा मन वृंदावन ये वृंदावन धाम राधा जी का साक्षात हृदय स्वरूप है उसी हृदय स्वरूप में ही श्री राधा जी की और श्री कृष्ण की इन अंतरंग लीलाओं का सुंदर रूप से शुष्ट रूप से वहां पर यागम होता है। इसलिए जो भी कोई आता है राधा जी की चरण धूल प्राप्ति के लिए आता है ब्रह्मा जी राधा जी की चरण धूल प्राप्ति करने के लिए प्रसाना पर्वत को अपने मस्तक पर धारण कर लिया उद्धव जी उद्धव कुंड पर बैठकर आशा बहो चरण रेणु जुश्याम राम श्याम उस एक चरण रेणु के लिए घास से फिर बनकर वहां पर तपस्या कर रहे हैं। नारद जी
जो सबको श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा रहे वे स्वयं नारद जी गोवर्धन के तलट पर बैठकर नारद कुंड पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इनकी राधा जी की चरण धूल प्राप्त करने की तपस्या कर रहे हैं। श्री जयदेव गोस्वामी जी ने यहाँ आए, श्री जयदेव गोस्वामी जी वंदन करते हैं। वाग देवता चरित्र क्षेत्र चरित्र सतमा पद्मवती चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रति किला विलास श्रोतम श्री जय देवी करोती पंदम श्री क्या बता रहे पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री जयदेव गोस्वामी उन पद्मावती अपनी पत्नी का नाम नहीं ले रहे, राधा जी के चरणों को ही प्राप्ति के लिए वे काका होकर प्रार्थना कर रहे हैं और वो सारे भावनाएं श्री गीत गोविंद में प्रकट की है। बोलो श्री राधा रानी जय। राधा जी की बहुत महिमा है, एक पर बहुत तरह से भाई मैं विराम करता हूँ। मान सम्मान तुम कुछ के पास राधा रानी प्रेम रे एतो सौंदर्य जेखा
स्वयं कृष्ण निजे बोलते जखन अमर बंसी ध्वनि वगैरह के श्रवण करे तखन विश्व ब्रह्मांड मुक्त हो जाए किंतु जब हम राधा रानी तार जब हम शब्द सुनी हम निजे मुक्त हो जाए अरे विश्व ब्रह्मांड अमर स्पर्श करे विश्व ब्रह्मांड सुशीतलता प्राप्त करे किंतु जखन हम राधा रानी स्पर्श करी हम निजे सुशीतलता प्राप्त करी हमारे शब्द सुने सारा दुनिया विश्व ब्रह्मांड मुक्त है किंतु राधा रानी शब्द सुने हम निजे मुक्त हो जाए विश्व ब्रह्मांड आमा के दर्शन करे विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाए अमर सौंदर्य तब दर्शन करे एजने रूप गोस्वामी त्रि बोलचे स्मेरांग भंगी त्रय परिचिता साची विस्तीर्ण दृष्टि अतम तिरकी बोलचे बोले खबरदार एकदम वृंदावन जावे ना আর যদি বৃন্দাবনে ভুলে চলে গিয়েছেন না ওখানে যে কেসি তীর্থ ঘাট আছে ওখানে ভুল যাতে পাই না করে বুঝলে আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে আছি তো যদি ওখানে ভুলেও পৌঁছে গেছে একটা কথা মনে রাখবেন ওই পাশে যে গোবিন্দদেব মন্দির আছে যাতে গোবিন্দদেব মন্দির যাতে পা না পড়ে বুঝলে আমি তো ওইখানে দাঁড়িয়েছি এখন তাহলে ওইখানে চলে গেছে ওর খবরদার দিতে ওখানে ফেলে গেছে না ওই যে কালের রঙের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশি বাজাচ্ছে খবরদার ওকে দেখবে না বলে ওকেই তো দেখছি বলে ওকেই দেখছো বলে হ্যাঁ বলে খবরদার ওই যে হাসি না ওই যে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে ও মিষ্টি মিষ্টি হাসছে না ভিতর থেকে চাকু চালাবে ছুরি চালাচ্ছে বুঝতে পারছেন তো এই জন্য ওর মিষ্টি মিষ্টি হাসি থেকে বিশ্বাস করবে না আর মাথায় যে ময়ূর মুকুটটা আছে যাতে ওর ওপর নজরই না পড়ে হ্যাঁ এই যে তিনি তিন জায়গায় হলেন বাঁকা তিন জায়গায় বাঁকা কেন যদি কোন সোজা জিনিস ভিতরে যায় না বেরিয়ে যাবে আর যদি বাঁকা জিনিস ঢুকে গিয়েছে আর বেরোবে না যেরকম আমরা বেরো হৃদয়ের মধ্যে বসে গেছে আর ঘর বাড়ি চাইলে পাগল সাধু আর নিজেরা পাগল আর আপনাদের পাগল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনাদেরকে এই জন্য এখানে তিনি বলেন এত সৌন্দর্য কিন্তু কৃষ্ণ তিনি বলছেন আমি হলাম তো এত সৌন্দর্য কিন্তু যখন আমি সেই রাধা রানীর যখন আমি সৌন্দর্যতা দর্শন করি আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমাকে দেখে মুগ্ধ হয় আমি রাধা রানীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই এই জন্য আমাদের প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ তিনি বলছেন ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদূরূহ পদারবিন্দম শ্রীমাত পরাগ পরমাদ্ভুত বৈভব অর্থ হলো বলে রাধারানীর চরণ কিরকম আমার রাধা কুণ্ডে এসছি না বলে রাধারানীর চরণটি কি বলে ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদূরূহ পদারবিন্দম যার চরণ কমল ব্রহ্মার জন্য দুর্লভ এই জন্য ব্রহ্মা তিনি ব্রহ্মাচল পর্বত রূপে জন্ম নিয়েছেন বলে ব্রহ্মার কথা ছেড়ে দিন শিবের জন্য দুর্লভ বলে শিবের কথা ছেড়ে দাও উদ্ধব নারদ আদি যেখানে গুল্মলতা ঔষধি বৃক্ষ রূপে জন্ম গ্রহণ করতে যায় বলে এদের কথা ছেড়ে দাও তোমরা ব্রহ্মেশ্বর আদি মানে আদি ঈশ্বর যে কৃষ্ণ না কৃষ্ণের জন্যও রাধারানীর চরণ দুর্লভ হয়ে যায় বলে কৃষ্ণের জন্য চরণ দুর্লভ হয়ে যায় যখন রাধারানী তিনি মান করি বসেন না বলে আজকে অন্য কাল লোককে দেখবো না যত কাল লোক সব খারাপ লোক সব হ্যাঁ অতএব তিনি সখী দলে তিনি কুঞ্জের বাইরে দাঁড় করে দিয়ে বলে আমার চকর যে ভুরুটা আছে না কালো এইটা হচ্ছে চন্দন দিয়ে সাদা করে দাও এই যে চুল আছে যাতে ওইটা ফুল মালা দিয়ে ওইটাও সাদা করে দাও যাতে কোনো কালো ব্যক্তিকে ভিতরে ঢুকতে দিয়ে না এখন মঞ্জেরি সখী মঞ্জেরি সখী দলে দাঁড় করে দিয়েছে এখানে শ্যাম সুন্দর এসে তাদের কাছে হ্যাঁ তাদের কাছে বলে যত কিং করিস বহু সকল কাগ বাণী নিত্যম পরস পুরুষস্য শিখণ্ড মৌলে যস্য তদারস নিধে বৃষভান জায়া তত কেলি কুঞ্জ ভবনাঙ্গনি মার্জনি শ্যাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছেন যে রাধা রানীকে তো অনেক দূরের কথা রাধা রানীর চরণ দুর্লভ তো অনেক শ্যাম সুন্দর তাদের সখী মঞ্জরীদের চরণে হাত জড়ি করে একটু সেই রাধা রানীকে দর্শন করে দাও একটু রাধা রানীকে দর্শন করে দাও সখী মঞ্জিটা কি বলে খবরদার আসবে না রাধা রানী মান করছে তুই চলে যাও ওখান থেকে ওখান থেকে চলে যাও ওখান থেকে এই জন্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন যে কুঞ্জের মধ্যে রাধা রানী এরকম মান করে বসেছে আমার কখন কি সৌভাগ্য হবে ওই কুঞ্জেতে যখন ওই সখী মঞ্জিরা ঝাড়ু লাগায় ঝাড়ুর এটা যদি কাঠি হতে পারে এইরকম রাধা রানীর চরণ দুর্লভ এত দুর্লভ রাধা রানী এই জন্য যে রাধা কুণ্ডটি এই রাধা কুণ্ড হলো রাধা রানীর অভিন্ন এই জন্য বলছেন যথা রাধা প্রিয়ম কুণ্ডম প্রিয়ম তথা সর্ব গোপেষু সেবিকা বিষ্ণু রতন্ত বল্লভা অতএব যে রাধা কুণ্ডটি কুণ্ড নাই তিনি রাধারানী স্বয়ং তিনি কুণ্ড রূপে প্রকট হয়েছেন
कृष्ण कुंड नए निजे श्याम सुंदर तिनी कुंड रूपे से गण प्रकट होय छे राधा कुंड श्याम कुंड एटा साधा कुंड श्याम कुंड नए एजन राधा कुंड श्याम कुंड जखन प्रकट होलो तखन जोग माया तिनी वृंदा देवी का आदेश दिच बोले वृंदे के राधा कुंड श्याम कुंड के एतो सुंदर रूप पे तुम प्रकट कर साजाओ जाते पृथ्वी ते एतो सुंदर जाते किछ ना था कि एजने इतनी सुंदर सुंदर कुंज अभी कीर्तन गाय छले ना राधा कुंड तट चिंता मणि मय राधा कुंड तट काहे कुंज सत सत प्रभाव विद्रुम मय तरुलता ताहे कुंज सत सत सेखानी सुंदर सुंदर कुंज बनिएछेन सेखाने राजहंस क्रीड़ा करछे माधवार जो बोलछे ना कत भाग वर्णना कत कोन कुंज कोन की कुथाय झुलान कुथाय की सब अद्भुत रूपे तिनी सेखाने बनिएछेन सेखाने एवं जे सीढ़ी गुलो समस्त की दिए मणि मुक्ता दिए सब चाहिए कुंज गुलो सापर वही सीढ़ी गुलो बनान सुंदर सुंदर जे कुंज अष्ट सखी तेरे कुंज अष्ट मंजर तेरे कुंज बोले कुंज गुलो की रकम बोले कौन कुंज वाला साधा रंगेर कौन वाला हलुक रंगेर कौन वाला नील रंगेर कौन तक फूल दिए बनान कौन तक के बोले पाता दिए बनान अद्भुत रकम कुंज राधा कृष्ण जदि भीतर थाके यदि एक खाने के दाड़िए थाके भीतर यदि के थाके ना बुझते बारे में भीतर की योजना होती जब कुंज प्रवेश कर लिया परे कुंजर रंग शरीर रंग दगर एक हो जाए अद्भुत रूपे एक ने गुरुदेव तिनी बोलते हैं यदि कौन जागार महिमा के गायता है तीन दृष्टिकोण से विचार करता है बोले जरा की बोले स्थान काल और पात्र बोले स्थान का की बोले राधा कुंड श्याम कुंड एक ने रूप गोस्वामी बोलते हैं वैकुंठ जनित बरा मधुबनी तथा भी वृंदावन हैं वैकुंठ तक श्रेष्ठ होलो हमारे मथुरा मथुरा तक वृंदावन वृंदावन तक गिरिराज गोवर्धन और गिरिराज गोवर्धन मध्य हो राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड नए एटा होलो कृष्ण रे दुईटी होलो चौक होलो राधा कुंड श्याम कुंड बोले स्थान होलो राधा कुंड ताल माने ओखाने कौन लीला हो तो बोले मध्यान्ह काल की लीला माने से कहने जल विहार नौका विहार कुंज मधुपान की समस्त स्थान काल पात्र बोले ओखाने कादरणीय कृष्ण लीला करते ओखाने कौन अन्य सखीरा नए सेखाने केवल राधा रानी अनुगत अतएव सेखाने अन्यान जगह राधा कृष्ण लीला कर ले भय था कि जटला पुटला से ना आस जाए किंतु ओखाने जोग माया तिनी वही स्थान के दिन सब समय रक्षा करे जटला पुटला से सेखाने प्रवेश ना करते पारी माने स्वच्छंद रूपे राधा गोविंद रे सेखाने लीला होतो अनेक राधा कुंड रे कथा आज के बिताले की अपनारा मठे राधा कुंड श्याम कुंड रे महिमा श्रवण करबे एजने हमरा घने राधा कुंड होलो पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ स्थान होलो राधा कुंड एजने हमारे समस्त गोस्वामी रा सही राधा कुंड वासरे जने प्रार्थना करचे अतः एई स्थान ती होलो अभिर्ण राधा कुंड श्याम कुंड राधा रानी रे निज स्थान अपना एखाने एसे बड़ा बड़ी खाबे बुझते बाचन तो धुला नय धुल नय गोपी छ जे रेणु मेखे छिल नंद बेटा यार एक बड़ा गलती है देखाने सब यहां पर लौट पर तो उठाना राधा कुंड से हम लोग दिए सर्वश्रेष्ठ स्थान रुबरा में जा सो यहां पर तुम लौट पर उठाओ देखी के लौट पर उठाते पहले सुजन भाजी लौट पर खाए सुनिए आज के बिकल चाटा समय कीर्तन सुंदर अनादि प्रभु कीर्तन करबे ওই সব যদি চাটা সময় না আসে কীর্তন করতে পারবে না চাটা সময় আসতেই হবে তার আগে আমি আসব পালকি উঠিয়ে নিন পালকি উঠিয়ে নিন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বিপ্লব সরকার আমাদের সব লোক আছে
मठ दे मठ श्री राधा कुंड विशाल हरि बोल কালকে দিনটা করে হয়তো বিকালে বাড়ি চলে যাবো বুঝলেন পরশুদিন রবিবার আমাদের বাড়িতে আসবেন সারা রাত নাম গান হবে আপনাকে সেটা বলা হয়নি মনে হয় চেষ্টা করবেন আসবার राधा कुंड टुडे दिस इज लास्ट प्लेस दैट इज कल्कोबाला Now we are going to Keso Ji Kaudi Mat. হালকা যাচ্ছি আমি চলে আসছি চলুন চলুন अरे मारे जो ये इसमें लिखा रहा हूँ ना पैदल लाएंगे पैदल
আমরা এটা আছে।